हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ की है रियल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन। ये बिल्कुल असली बालों की होती है, है ना। एंड काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दी जो रियल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन होती है वो कैसी होती है, हमें कहाँ से ख़रीदनी चाहिए, उसको किस तरीके से लगाते हैं, है ना, और वो कितने की आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर वाली एक्सटेंशन थी, और अगर आपके यहाँ पे कमर तक अगर आपके बाल आते हैं तो ये वही एक्सटेंशन है। मैंने लॉन्ग वाली ली थी, है ना। तो काफ़ी सारे इंचेस के हिसाब से एक्सटेंशन मिलती है और उसी के हिसाब से उनके प्राइजेस होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है गाइज। अब देख लीजिए, इन्हीं के बालों में हम लगाएंगे एक्सटेंशन। और इनके जो बाल थे ना, काफ़ी ज़्यादा हल्के थे, अभी आपको फुली फुली से नज़र आ रहे होंगे, बट पकड़ने पे इनके बाल काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं। तो इन्हीं के बालों में हम लगाएंगे और डिफरेंस आप खुद देखना कि लगाने के बाद कितना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। एंड गाइस, सच कह रही हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने बालों में कुछ लगाया है, बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, है ना। अगर आप सिंथेटिक वाली एक्सटेंशन लगाते हैं तो बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ वो कैसे मीन्स कुछ नकली बालों में लगाए हैं, बिकॉज उसकी जो शाइन होती है वो बिल्कुल अलग होती है। एंड जो रियल हेयर एक्सटेंशन होती है ना, वो बिल्कुल असली बालों में आपके मर्ज हो जाती है, कहीं से भी पता नहीं चलता। तो आप देख लीजिए, ये इस तरीके से अलग अलग पैच में आती है ना। आपको थोड़ी सी लॉन्ग में मिलेगी, फिर थोड़ी सी मीडियम, फिर उसे शॉर्ट, मीन्स 4 क्लिप ऑन, फिर 3 क्लिप ऑन, फिर 2 क्लिप ऑन, फिर 1 क्लिप ऑन, इस तरीके से आपको मिलेगी, जो आपको अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से इस्तेमाल करनी होती है, है ना। तो आप देख लीजिए, छोटे छोटे से पैच हैं, तो हमें ये उस जगह पे लगाने होते हैं जैसे फ्रंट सेक्शन में हमें लगाना होता है, ये क्राउन वाले सेक्शन में। तो आप, ज़रूरी भी नहीं है कि सारे ही जो क्लिप है आप पूरे बालों में लगाएं। आपको जब आप हेयर स्टाइल करते हैं, आपको जहाँ ज़रूरी लगता है कि हाँ यहाँ पे बाल कम है और यहाँ का स्टाइल नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं इसका। खाली एक आप एक पैच लगा सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है आपको तो दो पैच लगाने। तो आप अलग अलग मल्टी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा अच्छी वाली एक्सटेंशन होती है ये। और आप देख लीजिए, इनके बालों में हमने एक्सटेंशन लगाई थी, बट गाइस जो वीडियो थी ना, हमने पूरी वीडियो बहुत अच्छी से बनाई थी, बट बाय मिस्टेक ना वो रिकॉर्डिंग पे चल रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बट वो रिकॉर्डिंग वाला जो बटन होता है ना, हम उसको ऑन ही नहीं कर पाए। और हमने किसी ने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया, जब मैं एडिट करने बैठी तब मुझे पता चल रहा है कि वो जो वीडियो है वो इसमें है ही नहीं। सो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, बट कोई नहीं गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगी कि हमने कौन सा पैच कहाँ कहाँ पर लगाना है। और आप देख लीजिए, अभी इनकी जो चोटी है कितनी ज़्यादा मोटी हो गई है ना। एंड आपको कहीं से पता चल रहा है कि हमने इनके बालों में कुछ लगाया है ना? नहीं, बिकॉज ये रियल ह्यूमन हेयर की खासियत होती है, आपके बालों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि आपने बालों में नकली कुछ लगाया है। और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट अगर आपको चाहिए, आपके बाल हल्के हैं, आपको थोड़ा सा बालों की डेंसिटी बढ़ानी है, तो आप एक बार ये इन्वेस्ट कर दीजिए एक्सटेंशन में, और ये आपकी लाइफ टाइम रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगी। ये बाल कुछ सिंथेटिक वाली होती है, उसको क्या होता है ना कि उसको 1-2 टाइम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब ही हो जाती है, चाहे उसको कितने भी अच्छे से रख लें। बट ये वाली एक्सटेंशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आपको जस्ट यूज़ करना है, निकालना है, फिर किसी बॉक्स में रख देना है, है ना। आप उसके ऊपर कॉम कर सकते हैं, आप टोंग कर सकते हैं, आपको कर्ल्स करना हो, हाईलाइट करना हो, केराटिन, स्मूदनिंग, एनीथिंग, केमिकल कुछ भी यूज़ करना हो आप कर सकते हैं, बिकॉज वो असली ह्यूमन हेयर है, है ना। तो अभी देखिए, हम इनके बालों में रफली ऐसे ही नॉर्मली हेयर स्टाइल कर रहे हैं, और आपको कहीं से भी नहीं दिखेगी कि इनके बालों में कहीं से हमने एक्सटेंशन लगाई है। हमने सारे पैचेस इनके बालों में लगाए हैं, और कहीं से भी वो जो क्लिप है ना, वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, बिकॉज हमने लगाया इस तरीके से है। और कोई भी नहीं बता पाएगा कि इनके बालों में एक्स्ट्रा कुछ लगा हुआ है, हर कोई यही बोलेगा कि इनके इतने भारी बाल हैं, है ना। तो गाइस, अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर दीजिए। और इसको मैंने कहाँ से ख़रीदा, मैंने लिया था दिल्ली सदर मार्केट में। आपने देखा होगा, मैंने एक हेयर डमी की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है कि मैं हेयर डमी कहाँ से मैंने ख़रीदी है। तो उन्हीं भैया की शॉप से मैंने इस एक्सटेंशन को ख़रीदा था। उनके पास हर तरह की एक्सटेंशन होती है, अगर आपको
15 इंच, 14 इंच, 18 इंच, 20, 23, 24 कितने भी इंचेस के हेयर चाहिए ना एक्सटेंशन उनके पास अवेलेबल होते हैं और उसी के हिसाब से इनका प्राइस होता है। इसको जब मैंने परचेज़ किया तो ये मेरी 6000 रुपीज़ की पड़ी थी। जी हाँ गाइज, अगर आप इसको ऑनलाइन कहीं से परचेज करते हैं ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, 12000, 15000 इस तरीके से इनके कॉस्ट होते हैं, है ना। बट वो दिल्ली की होलसेल मार्केट है तो वहाँ पर हर चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा कम रेट में मिल जाती है। तो आप देख लीजिए इनके बालों में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए और ये कलर के हिसाब से भी आते हैं। अगर आपको प्रॉपर ब्लैक कलर चाहिए, कर्ली हेयर की एक्सटेंशन, वेवी हेयर की, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर की एक्सटेंशन चाहिए तो हर तरीके की एक्सटेंशन वहाँ पे मिल जाती है। मेरी जो एक्सटेंशन थी वो नॉर्मल थी, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा वेवी नहीं था और बहुत ज़्यादा हेयर स्ट्रेट भी नहीं थी। तो हम इसको कैसे भी करके स्टाइल कर सकते हैं, इस पर हम मशीन कर सकते हैं, बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, कर्ल्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और हम इसको हेयर वॉश भी कर सकते हैं। तो इसको वैसे मैंने पर्सनली अपने लिए परचेज़ किया था, है ना। बट अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी क्लाइंट के हेयर स्टाइल कर रहे हैं और कहीं पे हमें लगता है कि फ्रंट सेक्शन में ना बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, बहुत हल्के बाल है, तो वहाँ पे हम पैच लगा के उसका स्टाइल कर देते हैं, फिर उसको बाद में मैं ले लेती हूँ, है ना। तो मैं इस तरीके से करती हूँ और क्लाइंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और आप देख लीजिए इस पर हम कर रहे हैं आइकॉनिक की हेयर स्ट्रेट, बिल्कुल हल्की फुल्की सी कर रही हूँ मैं, ये दिखाने के लिए कर रही हूँ कि आप इसके ऊपर हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं, है ना। तो आप अगर उन भैया की शॉप का मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, मेरे पास में कहीं उनका कार्ड पड़ा होगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आपको चाहिए तो, है ना। और दिल्ली में काफ़ी सारी शॉप है, जहाँ भी हेयर डमी की शॉप होगी ना, जो थोड़ी अच्छी वाली शॉप है, मीन्स थोड़ी सी बड़ी सी, वहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अदरवाइज जो पटरियों पे होती है ना वहाँ से आप एक्सटेंशन मत खरीदना, वो बिल्कुल लोकल होती है, सिंथेटिक हेयर वाली होती है, है ना। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, यूज़फुल लगी है कि नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको ये पैचेस कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, है ना। और आप देख लीजिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया और कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि हमने इनके बालों में कुछ लगाया है। एंड गाइज, आप इससे बन, जूड़ा, कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं। और देख लीजिए हमने रफली इनकी एक चोटी बनाई थी, मैसी से चोटी, बीच में हमने बीट्स लगा दिए एंड कितनी ज़्यादा मोटी चोटी लग रही है ना। सो गाइज़, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।